एक दिन तुम इस दुनिया से पूरी तरह ऊब जाओगी, उस दिन तुम्हें किसी को विदा कहते कोई शोक ना होगा। कई साल पहले वो जून महीने की एक बेहद ठंडी शाम थी, जब सर्दसेर पहाड़ की बुलंदी पर बैठे एक कनफटे गोरे योगी ने मेरे अहमकाना तर्कों से उकताकर मुझे ये बद्दुआ दी थी। वो मनहूस दिन मेरे जीवन में बहुत जल्द आ गया था, और उस एक दिन के बाद रित और अमृत के बीच झेलते झूलते हुए मैंने उसे लगभग रोज ही याद किया था। जब तब मेरे भीतर उसके तंबूरे की तान वीतराग सी बज उठती है। इस वक्त भी बेख्याली में शायद उसी का ख्याल बना था, जिसे मैं रेल के बाहर तेजी से भागते दृश्यों के रेले में बहकाने का जतन कर रही थी। रेल 1 घंटा 36 मिनट देरी से चल रही थी। बदी ही कांच से परे आसमान किरमिजी हो रहा था। ये शाम की चाय का वक्त था। नीचे पड़े चाय के खाली कागजी प्याले को देखकर मुझे देर से चाय की तलब उठी थी, पर चाय वाला कहीं नहीं था। कंपार्टमेंट में हम चारों सहयात्री दौड़ती रेल के साथ अपने आप में विचर रहे थे। हम सब अपने अवसादों में डूबे थे। नजरी तौर पर किसी को किसी से सबब ना था, किंतु भीतर भीतर हम सब एक दूसरे की पूरी पड़ताल कर चुके थे। मेरे सामने रतलाम से चढ़ी 65-70 की औरत किसी आस में बार बार अपने फोन में झांक रही थी। उसे देखकर मालूम होता था कंधे पर दिलासा का हाथ रखते ही वो टूट कर रो पड़ेगी। थोड़ी देर पहले उसने किसी से संवाद किया था। उसकी आवाज में अनुनय था। महीने दो महीने रहकर चली जाऊंगी। बड़े के घर जगह की किल्लत थी। विपुल कनाडा से छुट्टी पर आया है ना, उस तरफ से जाने क्या कहा गया था कि बुढ़िया की आवाज और दीन हो गई। मैं बैठक में रह लूंगी। वैसे भी वहां कमरे में अकेले पड़े जी घुटता था, यहां बच्चों में लगी रहूंगी। फोन के दूसरी ओर आवाज ऊंची हो गई थी, जो फोन से निकलकर इधर उधर फैल गई थी। हद है, चलने से पहले पूछ तो लेती हम हैं भी कि नहीं, देखता हूं क्या हो सकता है। एक गड़ती हुई झल्लाहट के साथ फोन काट दिया गया था। बुढ़िया की आंखों से लाचारी टपकने लगी थी, जिसे उसने मुंह फेर कर अपनी साड़ी की किनारी में जब्त कर लिया। मेरे बगल में बैठी सादी सूनी सी कम उम्र औरत गोद में मचलते बच्चे को थपक रही थी। उसने वडोदरा से ट्रेन पकड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द मरोड़ ले रहा था। बैठने के बाद उसने कुछ नहीं खाया था। उसका माथा चोटिल था, गर्दन और कलाइयों पर नील पड़े थे, आंखें सूजी हुई थी, चाल में हल्की लड़खड़ाहट थी। उसे स्टेशन पर शायद पिता छोड़ने आए थे। वे उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ फेरकर मिश्री घुली आवाज में नसीहतों के साथ कुछ रुपए उसकी साड़ी की खूंट में बांध गए थे। पिए आदमी के मुंह नहीं लगते गिन्नी, नशे में हाथ उठा दिया होगा। जब पीकर आए तो चुप लगा जाया कर, वैसे भला लड़का है, ऐसी छोटी मीठी बातों पर कहीं घर छोड़ते हैं। बिहार में लड़की 2 दिन को ही अच्छी लगती है, अब तो उनकी चीज है। सुनते हुए लड़की ने हां हूं कुछ ना कहा था, किंतु उसका चेहरा पथरीला हो गया था। उसने जाते हुए पिता से आंखें नहीं मिलाई थी। तीसरा हम सफर अपने रवैये से बेहद रूखा 28-30 का सुदर्शन युवक था। उसके कसरती जिस्म, डील डॉल और बालों की काट को देखकर मेरा अनुमान था कि वो मॉडल होगा। फिर जब उसने अपनी तस्वीरों का पोर्टफोलियो देखना शुरू किया तो मेरा अनुमान ठीक निकला। थोड़ी देर पहले वो सिनेका की किताब के फलसफों से ऊब कर अपनी शायिका पर आंखें मीच कर लेट गया था। वो मुंबई से ही साथ था, मगर चुप और उखड़ा हुआ। वो जैसे खुद से ही सरगिरा था। वो शायद सिगरेट पीने के लिए बार बार टॉयलेट जाता था, क्योंकि लौटने पर हर बार उसके पास से तंबाकू की गंध उठती थी। जाने क्यों उसके दोनों हाथों पर खाल जैसे महीन काले दस्ताने चढ़े थे, कुछ ऐसे दस्ताने जो अमूमन धूप के असर से बचने को लड़कियां पहनती हैं। वो बेहद घुड़दिल और चिड़चिड़ा था। ट्रेन में बैठने के कुछ देर बाद ही वो मेरे हाथ में थमी किताब की एक पंक्ति पर मुझसे उलझ गया था। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। रबिश, एकदम बकवास है, उसने मुंह बिचकार कर कहा था। मैं सोच रही थी वो आखिर किस बात पर इतना नाराज है। वो मेरे बाजू में बैठी कम उम्र औरत के बच्चे को रोते देख भनभनाया था। आप उसे बहलाती क्यों नहीं,
थोड़ा इधर उधर टहल ही लीजिए, मेरा सिर फट रहा है। आधे घंटे पहले ज्यादा मीठे को लेकर चाय वाले से भी उसकी झड़प हुई थी। तुम रोजी के लिए कोई दूसरा धंधा करो, चाय वाले तुम्हारे बस का काम नहीं। साइड लोअर और अपर बर्थ 2.5 घंटे से खाली थी। मैं टॉयलेट के निमित्त उठी, वहां तंबाकू की गंध भरी थी। मेरे लिए ये नई नहीं थी, बहुत परिचित थी, मगर अब मुझे ये गंध असह्य लगती थी। इस वक्त भी मुझे लगा जैसे वो गंध मेरे चेहरे और नथनों पर चिपक गई है। मुझे रेल के कानून तोड़ने की इस धृष्टता के लिए लड़के की शिकायत करनी चाहिए थी, मगर मैंने अपने इस ख्याल को रद्द कर दिया था। इसके बजाय मैंने वॉश बेसिन पर खड़े होकर मुंह पर पानी के छींटे मारे। उसी दौरान ट्रेन झालावाड़ के छोटे से स्टेशन पर रुकी थी। हालांकि ट्रेन लम्हे भर को ही रुकी थी, उसी गुरेजा लम्हे में गोया एक हादसा घट गया। उदास पड़े टू टेयर कोच में एक बाय एक सनसनी भर गई। फोन में झांकती औरत अपने खोल से निर्गत होकर हकबकाई सी खड़ी हो गई थी। बाजू में बैठी युवती की खिन्नता का घेरा टूट गया था। बच्चे को लाड़ से सहलाती थपकती उसकी हथेलियां रुक गई थी। नन्हाई गुलाबी मुट्ठियां पोपता बच्चा चिहुक कर रोने लगा था। ऊपर की बर्थ पर ऊंघता चिड़चिड़ा युवक अधबैठा होकर दरवाजे की ओर ताकने लगा था। पिछले कूपे में बैठे मुसाफिर अगले कूपे पर झुक आए थे। एक 23-24 की हसीन तरीन लड़की ने चुस्ती से रेल के साथ दौड़ते हुए अपना बैग भीतर फेंका था और पोल पर झूलते हुए वो किसी तरह ऊपर चढ़ाई थी। उसका विलायती साथी लड़का अब भी ट्रेन की रफ्तार के साथ संतुलन बनाकर दौड़ रहा था। पायदान पर चढ़ने के प्रयास में वो बार बार लड़खड़ा कर रह जाता। डोर हैंडल पर आगे को झुकी लड़की हाफती हुई चीखी, रन फास्टर कार्लोस, थ्रो योर बैग इनसाइड। लड़के की पीठ पर नीले गुलाबी रंग का वजनी हाइकिंग बैग था, पांव में भारी जूते। वे शायद पहाड़ों के सफर पर निकल रहे थे। वो बहुत सारी जेबों वाला पजामा और टी शर्ट पहने था। उसकी हट्टी कट्टी पुष्ट भुजाओं पर गोदने गुंदे थे। कंधों से बैग उतारने की कोशिश में अचानक ही दौड़ता लड़का गिर गया। ट्रेन ने गति पकड़ ली, लड़का पीछे छूट गया जैसे लड़की के प्राण छूट गए हों। अनिष्ट की शंका से थरथराती लड़की कानों पर हाथ रखकर जोरों से चिल्लाई, कार्लोस। राग भय देता है, छूट जाने का भय। हम सब कुछ ना कुछ छूट जाने की फिक्र से डरे हुए लोग हैं। रंज में डूबी लड़की सुबकते हुए अपने घुटनों में सिर देकर दरवाजे से सट कर बैठ गई। मैं लड़की के नजदीक भौचक खड़ी थी। मैं उसकी तसल्ली को कुछ कहती कि एक करिश्मे की तरह विलायती लड़का दूसरे कोच के दरवाजे पर नमूद हुआ। हैरान लड़की उसकी छाती से लगकर फवक पड़ी। ओ कार्लोस, आई थॉट आई लॉस्ट यू, बट आई कांट लूज यू। यू हैव टू बी द मदर ऑफ माई डॉटर। लड़के ने शरारती हंसी के साथ कहा और आवेग में सबके सामने उसे अपनी बाहों में भरकर चूम लिया। उसने अंग्रेजी में पूछा कि क्या वो हमेशा उसके साथ रहेगी। लड़की ने अभिभूत होकर भरी आंखों से हामी भरी। लड़के ने जैसे लड़की के होठों को नहीं उसकी आत्मा को चूमा था। उसने अपनी सुरमेदार आंखें मूंद ली थी। अपनी दैहिक भाषा में गहरा प्रेम था। मैं जैसे किसी रूमानी फिल्म के गुदगुदाते सुखान से गुजर रही थी। कोच में बैठे बाकी मुसाफिरों को भी उनके मिलन के बाद आराम आ गया था। लड़का दोषहीन अंग्रेजी बोल रहा था, हालांकि वो कुछ भी हो सकता था, यूनानी, डच, ब्रितानी या इतालवी। मगर लड़की ने उसे कार्लोस पुकारा था। मेरी जानकारी के हिसाब से ये इतालवियों का पसंदीदा नाम है। बाल सुनहरे नहीं थे, गहरे भूरे थे, छोटे कटे हुए, आंखों की पुतलियां स्लेटी थी, रंगत एकदम गोरी। लड़की खालिस भारतीय थी, भूरी भरी पूरी। उसकी अंगों में लोश था, हाव भाव में नजाकत, गंदुमी रंग और सुमंगी आंखों वाली। उसने अपने लहरदार बालों को चंपई स्कार्फ की गांठ में कस रखा था। वे दोनों च्युइंगम चबाते हुए साइड लोअर पर दूबदूब जम गए। अब मैं उन दोनों के नाम जानती थी। कुलाला कली कानों में एयरफोन ठूंसे धीमी आवाज में कोई अंग्रेजी गीत गुनगुनाने लगी। कार्लोस ने उसके स्कार्फ को अपने नथुओं से छुआकर एक भरपूर सांस खींचते हुए अपने गले में लपेट लिया। लाड़ दिखाते हुए कली ने उसकी कलाई पर बंधी उसकी दामी घड़ी में अपनी कलाई फंसा ली और उसके फ़ोन की गैलरी में तस्वीरें स्क्रॉल करने लगी। सारे छल और प्रवंचनाओं के बाद भी प्रेम हमारे भीतर बच रहता है, इसलिए उस दिलारा जोड़े को देख मुझ में एक हूक उठी थी।
अबुलाई ही सुकांत की याद मेरे मन पर दस्तक देने लगी थी, जैसे उसे देखना हो कि क्या अब भी सुकांत वहीं रहता है। मुझे वो दिन भुलाए नहीं भूलता। उस तंग फुर्सत दोपहर में आर्टिकल पूरा करने की हड़बड़ में मेरी उंगलियां डेस्कटॉप के कीबोर्ड में उलझी थीं, फिर भी आंखें बार बार सुकांत की खाली टेबल का फेरा लगा कर आती थी। वो दो रोज का कहकर पुणे गया था, मगर 6 दिन बाद भी उसकी कोई खबर नहीं थी। उसका फोन लगातार बंद आ रहा था और उसकी तरफ से दफ्तर में छुट्टी के लिए अर्जी की कोई मेल नहीं थी। सवेरे से ही मौसम सुहेला था, तेज हवाएं चल रही थी, खबरों में तूफान की आशंका थी। आंख खुलते ही मैंने अपनी देह के अनचाहे संकेतों की जांच की थी और प्रेगनेंसी किट पर 2 गुलाबी लकीरें उभर आई थी। मैं उन 2 गुलाबी लकीरों की धनक में खोई थी। इतनी मीठी बात सुकांत को ऐसे नहीं बताऊंगी, इसके लिए मुझे उसका आलिंगन चाहिए, उसकी आंखों में देखकर ही कहूंगी। तभी चुप पड़ा, मेरा फोन गुर्राया था, किसी अनजान नंबर से सुकांत ही था। कैसी हो कुंज, तुम्हारे पास मैं हंस पड़ी, मगर तुम कहां हो? कल शाम को जुहू पर मिलो, कुछ जरूरी बात है। वो हड़बड़ी में था, उसकी आवाज में सुस्ती थी, रोज सी शोखी और रुमानियत भी उस पर हावी नहीं थी, लेकिन मुझे कोई बदंदेशी ना हुई। मैं चहक रही थी, मौसम के सुहेलेपन की बचकानी खुशी से भरी हुई। मां मान गई कांत? कल बताता हूं, अभी अभी मुश्किल है। सुनो, मेरे पास भी एक जरूरी बात है। अच्छा बताना। उसने कोई जिद नहीं की। सवेरे का सुहेला मौसम रात भर में उग्र हो गया था, लगातार बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया था, रेल की पटरियां पूरी तरह डूब चुकी थी, समंदर में उठे ज्वार से लहरें बेकाबू हो रही थीं। मैंने दोपहर में ही दफ्तर छोड़ दिया था। मीलों लंबा जैम था। मौसम का लुत्फ उठाने लोग सड़कों पर उतर आए थे, जनता से लगातार घरों में रहने की अपील की जा रही थी। हिदायतों को दरकिनार कर मैं जुहू की ओर चल पड़ी थी। सुकांत के दरपेश मुझे मौसम की परवाह न थी। जुहू की ओर जाने वाली सड़क बंद थी, समंदर ने कई मीट्रिक टन कचरा उगल कर किनारों पर फेंक दिया था। मैं सुकांत को इत्तला करती कि उसके नए नंबर की थाप से मेरा फोन बजने लगा, मगर वो सुकांत नहीं था। एक जनाना आवाज थी, कोई औरत गुस्से से गजबजाती, जोर से दहाड़ी, बेशरम छिनाल, कौन से लटकोट झटकों से फंसाया तूने सुकांत को, कौन है? मेरा चेहरा सुर्ख हो गया था। कांत कहां है? बीवी हूं उसकी, उसके बच्चों की मां, तू बता तू कौन है? गोया जलजला आ गया था, मेरे पांव तले की जमीन कांपने लगी थी। मैं कौन हूं? मेरी नाभि में जैसे कोई फड़क उठा, मेरा हाथ मेरे उदर पर रेंग गया। तो क्या मैं किसी के टूटे घर की ईंटों से अपनी आस्तीन चिन रही थी? मैं मेरे मुंह से शब्द ना फूटे, मैं गुंग हो गई थी। इतनी आग भरी है तेरे अंदर तो? औरत लगातार भद्दी और फूहड़ गालियां बक रही थी, पत्नी होने के अपने वर्चस्व से लैस होकर मुझे ललकारती हुई, सुकांत पर अपनी पक्की दावेदारी साबित करती हुई, मेरे समूचे अस्तित्व पर बदबूदार कलौंस मलती हुई। फिर क्या हुआ कि गंध बकते बकते वो रो पड़ी? उसे छोड़ दो, मैं कहां जाऊंगी, मेरे बच्चों पर तरस खाओ। कदाचित मैं उस तिरस्कार से इतनी आहत ना हुई थी जितनी उस दारुण याचना से। मेरे सीने पर पीड़ाओं का पहाड़ रखा था, किंतु मैं पीड़ित थी या पीड़क ये तय नहीं कर पा रही थी। मैं पीड़ित थी तो वो औरत क्या थी? मैं पीड़क थी तो सुकांत क्या था? ये मेरी आत्मा को नंगा करने वाला अप्रच्छन्न प्रश्न था। सहसा मेरा हृदय मुझे धिक्कार भेजने वाली उस औरत के लिए प्रगाढ़ सहानुभूति से भर गया, जिसे मैंने कभी नहीं देखा था और मैं कभी जिसे देखने की इच्छुक भी ना थी। वो इतनी ही निस्सहाय और हीन थी जितनी मैं, कदाचित मुझसे कहीं अधिक। मैं ग्लानी में गली जा रही थी, मैं एक दूसरी औरत को निराश्रित, दुर्बल और असुरक्षित नहीं बना सकती थी। बारिश की क्रुद्ध बौछारें मुझे पूरी तरह भिगो चुकी थी, हवाएं ऐसी बरबर कि तिपहिए को पलटने पर उतारू थी। एक पुलिसिया कारिंदा उग्र मौसम की तरह ही मुझ पर बरस पड़ा था। कहां जाना है? दिखता नहीं मौसम बिगड़ रहा है? कहीं नहीं, मेरा दिमाग कुंद हो चुका था। मैं तिपहिए से उतरकर पगलाई सी सड़क पर बैठ गई थी। बाहर 5 मीटर ऊंचा विनाशकारी ज्वार उठा था। रात दिन दौड़ता शहर मेरी धड़कन की तरह थम गया था। मैं कैसे घर पहुंची थी मुझे याद नहीं, मैं अपने आपे में नहीं थी।
उस रौद्र शाम में मैंने एक निर्दोष हत्या के लिए आवश्यकता से अधिक गोलियां निकली थी। 4 दिन मैं पेट में घुटने दिए रक्त के जोहड़ में पड़ी रही। हफ्ते बाद मैं और सुकांत मिले थे एक आखिरी बार। हवा हमारी तरह कहीं गुम थी। किनारे पर नारियल के पेड़ चौकन्ने खड़े थे। गीली रेत पर बैठी लहरों के स्वैश और बैकवॉश को तकती हुई मैं सोच रही थी, समंदर की मौज की तरह प्रेम अपनी उम्र लेकर आता है। 7 बरस से हम एक मेक थे। हमारी रसोई, हमारी चश्तरी, हमारा गुसलखाना, हमारा तौलिया, हमारा बिस्तर, हमारी चादर, हमारा मन, हमारी देह। अब मेरे सामने जो सुकान था वो मेरा नहीं था। वो एक के बाद एक सिगरेट फूंक रहा था और मैंने उसे नहीं टोका था। मैंने अपना हक छोड़ दिया था। वो मुझसे अपनी आंखें चुराए था। बर्तन पर चढ़ा मुलम्मा छूट गया था। मैं बुरा हूं ना, पता नहीं उसने किस उम्मीद में पूछा था, मगर मैं उसे बुरा कैसे कहती। मैंने उसकी देह का नमक खाया था। नहीं, मैंने अपना मुंह घुमा लिया था। तुम भले ना कहो, मैं कह देता हूं मैं बुरा हूं। अब कि तुम किसी बेहतर आदमी को चुनना। कब्र पर कब्र नहीं बनती कांत, मेरी शिराएं खिंच गई थी, टीज बोल की तरह फैल रही थी और बैठे रहने का ना मन बचा था ना हौसला। मैं खड़ी हो गई। सुकांत ने मेरे हाथ थाम कर अपने माथे से लगा लिए थे। मुझे माफ कर देना कुंज, कर दिया। अगर उसकी पत्नी उसे माफ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। अलविदा की मुलाकात में मैं एक साध्वी की तरह उदार हो गई थी, या फिर एक प्राण छोड़ती देही की तरह निर्मल। हाँ, मैं शायद उस घड़ी मर गई थी। मैं 12वीं मंजिल के अपने फ्लैट की खिड़की से नीचे झांकती। मुझे ख्याल आता मुझे उस खिड़की से नीचे कूद जाना चाहिए। मेरे अंदर रवा दवा जिंदगी ठहर गई थी। मैं यार्ड में खड़े उस उजाड़ पेड़ को खड़ा देखती जिसने पतझड़ का दुख उठाया था। उसे देखते हुए मुझे लगता मैं भी एक उजड़ा दरख्त हूं जिस पर अब कभी वसंत नहीं आएगा। मैंने कंसोल टेबल पर रखी हमारी प्रेमिल तस्वीर को 12वें माले से नीचे फेंक दिया था, जिसे सोने से पहले मैं रोज चूमा करती थी। मेरे अंदर शोक का एक कड़ा और खुरखुरा फोड़ा सा बन गया था जो हर वक्त टीसता था, चिपचिपी पीर भरा फोड़ा। यह बात पित्त या सन्निपात के दोष से नहीं उभरा था। यह ठीक मेरे दिल के ऊपर छल से उपजी हीनता की गांठ थी जिसमें रक्त सड़कर मवाद बन गया था। मेरे दुस्वप्नों में, मेरे हलक में अजन्मे बच्चे के नरम गोश्त के टुकड़े भर जाते। मेरी हथेलियां लहू में डूबी होती। मेरा शरीर सड़ रहा होता। मैं अत्यंतिक पीड़ा से करा उठती। ढीठ पीड़ा सीजने को ना आती। मैं जान गई थी पीड़ा ही प्रेम का प्राप्त है। तब मैंने मुंबई छोड़ने का फैसला लिया था, जबकि मैं उस शहर में नहीं रहती थी। वो रंगारंग शहर मुझ में रहता था। उसने मुझे जकड़ रखा था। ये जकड़न भोजन नहीं थी, ये ऐसी थी जैसे कोई बुखार से हुलहुलाते टूटते बदन को अपनी टांगों में जकड़ ले। मगर अब मेरी रूह को वो शहर हराम था। दौड़ती हुई रेल मेरे ख्यालों की चाल से होड़ कर रही थी। फिर भी 1.5 घंटे का विलंब अब तक दुगना हो चुका था। बाहर सूनी सहराई में पतझड़ की चांदई रात निर्दंद सोई थी। बीच बीच में कोई शहर या स्टेशन गुजरता तो रोशनी की पट्टियां और छल्ले हमारे ऊपर बिछ जाते। रेल सेवक यात्रियों की रुचि और चयन के हिसाब से भोजन वितरित कर गया था। बूढ़ी औरत ने मधुमेह और रक्तचाप की दवा खाने भर के लिए बमुश्किल आधी रोटी खाई थी। उसने फोन को अपनी गोद में रखा था। अब उसकी उम्मीद की तरह फोन की बैटरी भी डूब रही थी। उसने घबरा कर अपना फोन चार्जिंग पर लगा दिया था। दास्तानों वाले लड़के ने ऊपर बैठे बैठे ही दाल चावल सब्जी सान कर चम्मच से गटक लिए थे और अब गहरी लीनता से अपनी तस्वीरों का पोर्टफोलियो देख रहा था। बच्चे वाली मां ने रेल सेवक को भोजन की मनाही की थी। उसने शाम की चाय के बचे हुए बिस्किट 2 घूंट पानी के साथ कुतर कर बोतल स्टैंड में फंसा दी थी। उसके चेहरे पर सूखे आंसुओं की लकीरें खींची थी। अपनी उदासी की थकन में वो बैठे बैठे ही ऊंघने लगी थी। दोपहर का खाना अभी तक मेरे कलेजे पर पड़ा था, सो मैं बिना खाए ही अपनी बर्थ पर लेट गई थी। प्रेमी जोड़े ने डटकर खाया था। कली शायद निरामिष थी। उसने प्रेमी कार्लोस की थाल से ग्रास भी न खाया, मगर कार्लोस ने उसका शेष भोजन मंदिर से मिले प्रसाद की तरह निपटाया था। खासकर वो अपनी शायका पर पसर गया था। कली उसके मोबाइल फोन में एकाग्र होकर कोई खेल खेलने लगी थी। हम सब सोने के उपक्रम में थे। सफाई कर्मी झूठी थालियां समेट चुका था। टीटी राउंड पर था। वो बारी बारी सबके टिकट की जांच कर रहा था। उसने अपनी तस्वीरों में गुम लड़के को हिलाया। टिकट दिखाइए।
लड़का अपने बटुए से टिकट निकालने लगा। टीटी उसके दस्ताने चढ़े हाथों को मुसलसल संदिग्ध निगाह से देख रहा था। इस बात को भापते ही लड़का तमक उठा। क्या है, क्या देखना है, टिकट या मेरे हाथ? उसने जहरी अंदाज में पूछा। दिखा दीजिए, आपके हाथों में कोई भेद है क्या? टीटी ने मुस्कुराकर फिक्रा चुस्त किया। लड़का किसी सिरफिरे के सदृश जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाँ देखो मेरे हाथ, क्या भेद है, आओ सब देखो। उसने अपने दस्तानों को हाथों से खींचकर हवा में उछाल दिया। उफ, उसके हाथ बहुत अजीब थे, चितकबरे, जैसे केंचुल की तरह उसके हाथ चाम छोड़ रहे हों। उसके हाथों की चमड़ी जगह जगह से सफेद पड़ गई थी, सब सकते में थे। टीटी कुछ बड़बड़ाता हुआ मुड़ गया था। रुलाई रोकने की कोशिश में लड़का हंसने लगा था, फिर हंसते हंसते अपनी हथेलियों में मुंह ढांप कर रो पड़ा। छूत नहीं है ये, मगर मैं अछूत हो गया हूं। मैंने बताया, वे नहीं माने, सारे कॉन्ट्रैक्ट छिन गए, अब मैं बेकार हूं, रद्दी और निकम्मा। डॉक्टर कहता है मेरी त्वचा में रंग बनाने वाली कोशिकाएं मर गई हैं। अच्छा होता मैं भी मर जाता। उसकी रुलाई से मेरी आंखें भीगने लगी थी। मेरा मन हुआ था मैं उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ कर कहूं, अब इन्हें मत छुपाना, दुनिया इन हाथों से ज्यादा कुरूप और बदरंग है, उसे अपनी ठोकर पर रखो। रेल के डिब्बे की बत्तियां बुझने लगी थी। लोगों ने अपने पर्दे चढ़ा लिए थे। लड़के के भीतर भरी भड़ास निकल गई थी। वो रीडिंग लैम्प की पीली रोशनी में उंगलियों में कलम दबाए शायद किताब में अपने मन से मेल खाती सतरें तलाशने लगा था। बुढ़िया अब भी बेटे के जवाब की इंतजारी में करवटें बदल रही थी। आखिर उसके फोन पर संदेश की दुआहटें हुई। हताश मन को आस बंधी। वो अंधेरे में ही चमड़े के थैले में अपनी ऐनक ढोने लगी। किधर गया, यहीं तो रखा था। फिर उसे याद आया कि वो अपनी ऐनक बेटे के घर की सिंगार मेज पर ही छोड़ आई है। मैं पढ़ दूं, मैंने आग्रह किया। बूढ़ी औरत ने कृतार्थ भाव से गर्दन हिलाई। संदेश दो टुकड़ों में था। लिखा था, कारोबार मंदा चल रहा है, प्रेमा ने मनौती मांगी थी, हम माँ वैष्णो की यात्रा पर हैं, फिर शायद कश्मीर भी हूँ आए, प्रेमा कब से जिद किए बैठी है, अकाउंट में कुछ पैसे भेज रहा हूँ, एक दिन किसी होटल में रुक कर वापसी का टिकट करा लेना। मैं हरफन हरफन दोनों संदेश पढ़ गई। थोड़ी देर पहले बूढ़ी औरत के जिस्म में भरी चुस्ती पस्ती में बदलती गई, वो करवट लेकर निष्प्राण सी पड़ी रही। निचली बर्थ पर कम उम्र लड़की की देह का कंपन बता रहा था कि वह अब भी गुपचुप रो रही है। मैं सोच रही थी वो बूढ़ी औरत कहाँ जाएगी जिसकी परछाइयों ने उसे बेआसरा कर दिया हो, उस दुधमुने बच्चे की माँ का क्या होगा जिसे पिता और पति दोनों ने एक वस्तु समझा, उस युवक का क्या बनेगा जिसके अकारण ही उसके सपने छीन लिए गए। मुझ में बैठी मैं मुझ पर हंस पड़ी। और तुम अपनी कहो, तुम्हारा क्या होगा कुंज, जिस भाई के पास जा रही उसे क्या कहोगी कि जिसके साथ सात बरस बिन ब्याहे घर बसाए रखा, जिसके लिए उपवास रखे, उसकी अपनी दुनिया है, उसकी दुनिया में तुम नाहक हो। मेरा रीता मन और रीता हो गया। आंखें भी नींद से खाली थी। घुमंतु गोरे योगी की बद्दुआ फल रही थी। वो मेरे सामने खड़ा मुझ पर हंस रहा था। पहली बार मैंने उसे मंदिर के निकट भिक्षा मांगते देखा था। दरअसल मैंने पहली बार एक फकीर को दूसरे फकीर से भिक्षा मांगते देखा था। वो बढ़िया हिंदी बोल रहा था, मुझे कौतुक हुआ था। मैं वहीं रुकी रही। देसावरी योगी के लिए देसी फकीर इतना उदार ना था, इसलिए मैंने पूछा, क्या चाहिए? 20 रुपए, मेरे पास छुट्टे नहीं है। मेरी बात पर देसी फकीर चौकन्ना हो गया। मैं कर दूंगा, 5 रुपए लगेंगे। मुझे हंसी आ गई, दूंगी। उसके बिछावन के तले रुपयों और सिक्कों का ढेर था। उसने 5 रुपए काट कर मुझे 95 लौटा दिए थे। मैंने 50 का नोट उस गोरे दरवेश की हथेली पर रख दिया। बस 20 की ही जरूरत है, रख लो, बात को काम आएंगे। एक साधु भविष्य के लिए संचय नहीं करता। आज आपकी कृपा हुई, कल किसी और की होगी, वो हंसा था। हंसते हुए उसके होठों से एक जादुई अर्धगोल चांद बन गया था। वो चुंबकीय था, बेहद लुभावना। लंब तड़ंग 6 फुट से निकलता हुआ कद, ऊंची नासिका, चौड़ा ललाट और कपाट वक्ष। उसके चिरे हुए कानों में मोटी कलम नुमा लकड़ियां डली थीं। उसकी आंखें कुछ भूरी सलेटी थीं या सलेटी नीली। मैं उसके साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। कहां से हो? इसी दुनिया से, मगर दुनियादार नहीं। मतलब किस देश के हो? फ्रांस। नाम क्या है?
लौकिक नाम फ्रेडरिक और अलौकिक संसार में नाम का कोई अर्थ नहीं। तुम अपने देश क्यों नहीं लौट जाते? लौटने को ही आया था, लौट ना सका। क्यों? प्रेम में छला गया, लौटने की राह ना मिली। अब सोचता हूं वहां क्या है, यहां भी क्या है, फकीर के लिए यहां क्या और वहां क्या। मैं उससे और बहुत सी बातें करना चाहती थी, किंतु वो चलबांक था, मैं सुस्तगाम। उसके साथ चलने को मुझे उसके पीछे भागना पड़ रहा था। उसके साथ भागते हुए एक तिलकधारी ने मेरी ओर हिकारत से देखा था। चार धाम तफरी की जगह हो गई है, दूसरे ने कहा, बहुत जानो साहब कि कुत्ता साथ नहीं लाई। फिर बाजार के किसी मोड़ पर वो खो गया था। दूसरी बार वो ठीक दो दिन बाद मिला था। पहाड़ों की लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर हवा बहुत उग्र थी। दोपहर बाद जून के महीने में भी हाड़ों में सिहरन भरने वाली ठंड थी। थोड़ी देर पहले हल्की बारिश हुई थी, तो फिसलन के कारण पैरों की पेशियों को तान कर पंजे और एड़ियां जमा जमा कर उतरना पड़ रहा था। उतरते हुए एक जगह जमीन थोड़ी समतल हुई तो रुककर सांस ली। वहां 3-4 बड़ी चट्टानें थी। काली कमली वाले 5 आग देशी दरवेशों से घिरा हुआ वो एक चट्टान पर तन कर बैठा था। कपाने वाली ठंड में भी उसके बदन का ऊपरी हिस्सा नंगा था। निखालिस हिंदू साधु की तरह कमर से घुटनों तक गफ गेरुआ लुंगी और गमछा, हाथ में तंबूरा। वो एक विलक्षण पल था जब मैंने उसे देखा था। सांझ के सूरज की केसरिया छाई में हर चीज का रंग बदल गया था। आसमान, घास, पत्ते, चट्टाने और पत्थरों को काट कर बहता हुआ पानी, सबके रंग कुछ देर को बिल्कुल बदल गए थे। ये एक अस्थाई लम्हा था, जैसे उसे फिर से देखने की मेरी खुशी अस्थाई थी, जैसे उससे बात करने के बाद हुआ क्लेश भी अस्थाई था। चट्टान पर बैठे हुए उसने मिट्टी की नली से ढेर सा धुआं अपने भीतर खींचकर हवा में छोड़ दिया था। गंजेड़ी धुआनोश साधु मत होकर तंबूरे और चगान की धुन पर झूम रहे थे। दिन रात मुसाफिर जात चला। उसके अस्तित्व को धुएं में छींचते देख मुझे शोक हुआ था। मैं उसके पास बैठ गई थी। दुनिया में लौटने के, जीने के अनगिन बहाने हैं, मगर वे सब बहाने हैं। आगे जाने के लिए लौटते पथिक से पूछो कि रास्ता कैसा है। मेरी तकरीरों पर वो लगातार मुस्कुराता रहा। उसकी मुस्कान में उपहास था, मैं उसकी मुस्कुराहट से कुड़ रही थी। तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हारे धुआं से जीवन में जीवन जैसा कुछ नहीं है। सहसा उसका तापदार चेहरा लोहित उठा, माथे पर शिकंज पड़ गई। उसने अपनी नीली नीमबास पुतलियों से मुझे देखा। जो मुझसे जीवन की बात करते हैं, मैं उनसे कहता हूं मैं मर चुका हूं। वो अपना तंबूरा उठाकर खड़ा हो गया। एक दिन तुम इस दुनिया से पूरी तरह ऊब जाओगी, उस दिन तुम्हें इस दुनिया को विदा कहते कोई शोक ना होगा, कहकर तेज कदमों से वो पहाड़ उतरता गया। मैं उसकी पीठ पर चिल्लाई थी, वो दिन कभी ना आएगा। जीवन बोझ देता है तो ढोने को कंधे भी। नियति का खेला, आज मेरे फलसफे बदल गए थे। फ्रेडरिक को सोचते सोचते मैं नींद के झोंके में बह गई। रात को न जाने क्या वक्त हुआ था। मेरी नींद शोरगुल से खुली थी। कोच में हंगामा बरपा था, रेल में जाग भर गई थी, बुझी हुई बत्तियां जल गई थी, खिंचे हुए पर्दे सरकने लगे थे। अंग्रेजी में गालियां बकता कार्लोस बोराया सा इधर उधर भागता फिर रहा था। उसकी टांगे और जबान शराबी के ढब लड़खड़ा रही थीं। उसके खाने में जरूर कोई नशेदार चीज थी। वो कभी अपनी सीट के तले झांकता, कभी हमारी सीट के तले, कभी दरवाजे की ओर भागता, कभी टॉयलेट के किवाड़ पर लात मारता, कभी अपने बाल नोचता, कभी माथा फोड़ता। वो गला फाड़ कर बराबर चीख रहा था, दैट फकिंग बिच टू एवरीथिंग। उसके बैग, मोबाइल फोन और उसकी दामी कलाई घड़ी को हत्या कर बेखबर रात की खामोशी में कार्लोस की दिलकश महबूबा किसी स्टेशन पर उतर गई थी। बेचारा कार्लोस, वीराने देश में उसके पास अब अपनी कोई पहचान बाकी ना थी। शायद यूं ही तय होता होगा इश्क मजाजी से इश्क हकीकी होने तक का सफर। शायद यूं ही तय होता होगा इश्क मजाजी से इसके हकीकी होने तक का सफर। राग और विराग के बीच थोड़ी ही तो दूरी है। सीली हुई धुंध में रेल अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। रेल को अपना गंतव्य ज्ञात था, मगर कंपार्टमेंट में हम पांचों अपने ठिकानों से अनजान चुप्पाए बैठे थे। हम पांचों सर्वहारा थे, निरुपाय, निठौर और निर्घट। अचानक सदमा खाया कार्लोस बेसुध होकर गिर पड़ा था। किसी ने ट्रेन की जंजीर खींच दी थी। ये डोई वाला स्टेशन था। यहां से ऋषिकेश कोई 10-12 मील था।
उस गोरे यायावर का पक्का ठिकाना स्वर्गाश्रम लगा। कहीं नजदीक से उसने मुझे उलाहना भेजा है। उसके होठों पर मुस्कान का अर्धगोल चंद्रमा बैठ गया है। मैंने कहा था ना, एक दिन तुम इस दुनिया से पूरी तरह ऊब जाओगी। उस दिन तुम्हें इस दुनिया को विदा कहते कोई शोक ना होगा, जैसे मैंने अपना गंतव्य खोज लिया हो। एक उजली दुनिया जो मेरे बहुत करीब थी। मैं डोईवाला स्टेशन पर उतर गई थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, लेकिन मुझे लगा वो 65 पार की बुढ़िया, गोद की बच्चे की माँ, विटिलगो से त्रस्त लड़का और कार्लोस किसी दिन मुझे वहीं मिलेंगे। कैसी लगी आपको ये कहानी, सच बताइएगा। निर्वाण इस कहानी का नाम है और ये कहानी विजयश्री तनवीर की लिखी हुई है। उनका कहानी संग्रह सिस्टर लिसा की रान पर रुकी हुई रात ये मेरे हाथ में है। ये जो मैंने निर्वाण कहानी सुनाई ये आखिरी कहानी थी, और सिस्टर लिसा की रान पर रुकी हुई रात ये पहली कहानी है, और इसके बीच में कुछ और कहानियां भी हैं। कितनी अद्भुत कहानियां हैं ये, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे लगा कि मैं आपको इस किताब के बारे में कुछ 4 लाइनें बोलूं, 6 लाइनें बोलूं, मुझे लगा एक कहानी सुना देनी चाहिए, क्योंकि कहानी सुनकर ही आपको समझ में आएगा कि ये कहानियां दरअसल हैं क्या। कुल मिला के 3 और 4 7 कहानियां इस संग्रह में हैं, अद्भुत कहानियां हैं। आप लेवल देख लीजिए कहानी का, कहां से शुरू होती है और कहां से घूमती हुई हम सबके घरों के अंदर, दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर से होती हुई हमें कहां ले जाकर पटक देती है। जब आपको लगता है कि ये होने वाला है, तब पता चलता है कि कुछ और ही है। विजयश्री तनवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत कहानियों के लिए। मैंने आपकी कहानियां पहले भी पढ़ी हैं और मुझे वो हिला देती हैं, और आपकी भाषा का तो खैर मैं फैन हूँ ही। क्या गजब की भाषा आप लिखती हैं, लिखती रहिए दोस्तों। ये हिंद युग्म से ये किताब प्रकाशित हुई है। मुझे लगता है कि अगर हमको साहित्य का शौक है, हम अच्छी कहानियाँ, अच्छे उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, तो विजयश्री तनवीर इस किताब को मंगाइए और इसे पढ़िए। सिस्टर लिसा की रान पर रुकी हुई रात कहानी मैंने पढ़ दी। सारी कहानियाँ इस लायक हैं कि मैं उन्हें पढ़ सकूं, पर अच्छी बात नहीं होगी। मुझे लगता है आपको किताब खरीदनी चाहिए। किताब खरीदिए और पढ़िए।